राहुल गांधी आए दिन आम जनता से मिलते रहते हैं और लोगों की हाल खबर जानते रहते हैं। इस काम से वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और लोग उनसे जुड़े भी रहते हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी ने दिल्ली के जीटीबी नगर में रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूर से मुलाकात की। बीजेपी के कदावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके अचानक से दिए इस्तीफे से सभी चौंक गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सिंह को पहले ही सौंप दिया था, लेकिन भजन लाल सिंह ने इस्तीफा की घोषणा आज की। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ के मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। बता दें कि इस भगदड़ के दौरान कुल 123 लोग मारे गए थे। अगर इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस बीच इस मामले को लेकर मुख्य सेवादार के वकील APC ने इस साजिश का आशंका जताया है। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में CBI ने बुधवार सुबह दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। CBI ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी है। इस बीच खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस का ठिकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभाग के 29 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार यह ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। भारतीय T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम की आज यानी 4 जुलाई को बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई है। भारतीय टीम सुबह 6:10 पर दिल्ली से IGI एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद होटल ITC मौर्या में रुकी हुई है। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ PM मोदी से मिलने पहुंचे। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बुधवार को यह आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवार को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला है और राहुल गांधी ने इसके लिए राजनाथ सिंह से माफी की मांग की। राहुल गांधी के इस बयान को भारतीय सेना ने गंभीरता से लिया है और सुना है, खुद का इसका जवाब दिया है। लोग अपने अभिनेता से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। लोग उसकी सलामती और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही एक मामला भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन पेज के नाम पर उनकी एक फैन से लाखों की ठगी की गई है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस मामले पर रिएक्ट किया है। विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम गुरुवार की सुबह 6:00 बारबाडोस से नई दिल्ली पहुंच चुकी है। पता हो कि भारतीय खिलाड़ी चक्रवात के कारण 3 दिन से वहीं फंसे हुए थे। आखिरकार भारतीय स्टाफ को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए देश लाया गया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत हुआ। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इतनी उम्दा प्रदर्शन के बाद भी सुपर 8 राउंड में भारत ने उन्हें बुरी तरीके से हराया और उसके साथ ही टीम अफगानिस्तान भी मैदान में पिट गई। अब वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरह के सीरीज खेलने से मना कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में गलत और भ्रामक बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्पीकर को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि निर्देश 115 के प्रावधानों को लागू किया जाए, साथ ही इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से हर माह 50,000 रुपए की कटौती कर उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया है कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी को भुगतान की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर रहे हैं। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने के एक दिन बाद झारखंड के राज्यपाल CP राधा कृष्णन ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने का न्योता दिया था। पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान अब न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम हो गया है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसको लेकर चर्चा की थी कि चीन के लिए गए JF-17 क्या परमाणु बम से लैस हो चुका है। इस बात की पुष्टि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने कर दी है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के 5 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक के लिए प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।